अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे आवर लेसन इज हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा, रिटन बाय जी एफ लैम। टुडे वी स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर पेज 54। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन। आवर पेज नंबर 54। Blagden arranged for one of the most educated pupils, a young Trog noble named Boubacar, to act as a guide for the first few days of the 1280 kilometers journey from Tamanras to Timbuktu। ब्लैनगन ने अपने इंतहाई पढ़े लिखे शागिर्दों में से एक इंतज़ाम कर लिया। बुबकर इस नौजवान ट्रॉग का आलीशान नाम था, जो तमनरास से टिम्बकटू 1280 किलोमीटर के सफ़र के पहले चंद दिनों में इस नौजवान के तौर पर रहनुमा के तौर पर जिसने काम किया। द स्टार्ट वाज मेड एट डॉन and Boubacar and Christopher each on a camel with the third carrying Christopher's supplies। सुबह सवेरे सफ़र का आगाज़ किया गया। बुबकर और क्रिस्टोफर दोनों अलग अलग ऊँटों पर सवार हुए, जबकि तीसरे ऊँट पर क्रिस्टोफर का खाने पीने का सामान लदा हुआ था। इट वुड प्रोबेबली बी 2 or 3 weeks बिफोर द नेक्स्ट विलेज वाज रीच्ड। इनको अगले गांव पहुँचने में गलबन 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे। सो इट वाज एसेंशियल फॉर हिम टू टेक एन फूड एंड ड्रिंक टू लास्ट दैट टाइम। चुनाचे इनके लिए ज़रूरी था कि वो खाने पीने का इतना सामान साथ लेकर जाएँ कि बाकी वक्त जो इस वक्त तक बाकी रहे। आउट इन द बर्निंग डेजर्ट देयर आर नो विलेज टू टर्न टू इफ फूड रन शॉर्ट। दूर तपते सहरा में कोई गांव नहीं था कि खुराक पर कम पड़ जाने की सूरत में इसका रुख किया जा सकता। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस स्टेज ऑफ द जर्नी नाउ हैड टू बी इंड्योर्ड। इस सफ़र के मुश्किल और ख़तरनाक तरीन मरहले को अब सहना था। इंड्योर्ड बर्दाश्त करना, सहना बियर टॉलरेट करना, ठीक है। इट बिगेन व्हेन क्रिस्टोफर वाज हैंडेड ओवर बाय द लीडर ऑफ अ बिग कारवान टू अ स्मॉल ग्रुप विद हु आर विलिंग टू गो टू किडाल अबाउट 560 किलोमीटर्स फ्रॉम टिम्बकटू। इस वक्त शुरू हुआ जब बड़े काफिले के सरदार ने क्रिस्टोफर के एक छोटे ग्रुप के हवाले किया, जो किडाल की तरफ जाने का इरादा रखता था, जो कि टिम्बकटू से 560 किलोमीटर के फासले पर था। द लिटल पार्टी टू टॉग्स अ स्लेव एंड क्रिस्टोफर बिगेन बाय सेटिंग टू फाइंड अ वेल विच वाज ऑन देयर रूट इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश देयर वाटर बैग्स। इस छोटे से ग्रोह में जिसमें 2 ट्रॉग, 1 गुलाम और क्रिस्टोफर थे, इस कुएं को ढूंढ निकालने के लिए सफ़र शुरू किया जो इनके रास्ते में पड़ता था, जहां पर उन्होंने अपने मशकीज़े दोबारा भरने थे, वाटर बैग दोबारा भरने थे। दे रीच इट एट लास्ट एंड इट वाज बोन ड्राई। वो बिलाखिर इस तक पहुंच गया और ये बिल्कुल खुश्क था, बोन ड्राई बिल्कुल खुश्क था। देर वाज ओनली 1 टिन ऑफ फूड लेफ्ट इन क्रिस्टोफर्स पैक। क्रिस्टोफर के सामान में सिर्फ खाने का 1 टिन बाकी रह गया था। एंड द 4 ऑफ देम शेयर द बीन्स इट कंटेन्ड। और वो चारों इसमें मौजूद फलियाँ इकट्ठे खाते थे। हिज गाइड्स कैरीड नो फूड एट ऑल। उसके जो रहबर थे या उसके जो गाइड थे, कोई खाना साथ नहीं लाए थे। एंड वेरी लिटिल वाटर, उनके पास बिल्कुल थोड़ा पानी था। बाय द टाइम डार्कनेस केम, जब अंधेरा छाने का वक्त आया, क्रिस्टोफर वाटर सप्लाई वाज डाउन टू 1 लीटर। क्रिस्टोफर के पास जो पानी था उसका ज़खीरा भी कम होकर 1 लीटर तक रह गया। एट दिस पॉइंट इस मरहले पर लार्ज 20 लार्ज वल्चर्स वर डिस्कवर्ड। 20 बड़े गिद्ध देखे गए। एंड दीज स्टूड वॉचिंग द ट्रेवलर्स विद इंटरेस्ट, मेकिंग अप देयर माइंड्स वेदर दे वॉन्टिड वाइट और डार्क मीट फॉर देयर मील। दे वर श्योर दे वुड सून बी ईटिंग। और वो इनको इन मुसाफिरों को ललचाई हुई नज़रों से देखते रहे और ऐसा लग रहा था कि वो तय कर रहे थे कि इसके खाने में, जिसके बारे में इन्हें यकीन था कि वो जल्द खा रहे होंगे, वो सफ़ेद गोश्त चाहिए या उन्हें काला गोश्त चाहिए।
द वल्चर्स वर टू बी डिसअपॉइंटेड, उन गिद्धों को मायूस होना पड़ा। द फोर मैन वेंट टू स्लीप अर्ली, चारों आदमी जल्दी ही सो गए। अ डेजर्ट कस्टम, जैसे कि सहरा में रस्म और रिवाज था। वैन ट्रेवलर्स आर हंग्री और थर्स्टी, जब अब मुसाफिर जो भूखे और प्यासे हों। द नेक्स्ट मॉर्निंग वाज स्टिल अलाइव, अगली सुबह वो जिंदा थे। दे हैड जस्ट एनफ वाटर लेफ्ट टू मेक वन कप ऑफ टी ईच एंड देन सेट ऑफ फॉर द नेक्स्ट वाटर होल अबाउट 5 hours डिस्टेंट। अगली सुबह इनके पास सिर्फ इतना पानी बाकी रह गया था कि इनमें से एक हर एक के लिए चाय का एक कप बन सके, और फिर तकरीबन 5 घंटे के मुसाफिर पर अगले कुएं के लिए रवाना हो गए। वाटर होल, कुआं या तालाब, वेल या पाउंड। व्हेन दे रीच्ड इट जस्ट बिफोर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दे फाउंड दैट दिस टू लाइक द प्रीवियस होल वाज कम्प्लीटली ड्राई। दिन के गर्म तरीन हिस्से से थोड़ी देर कबल जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ ये भी पिछले कुएं की तरह मुकम्मल खुश्क है। द नेक्स्ट वाटर होल वाज 2 days अवे एंड द ट्रेवलर्स नाउ हैड नीदर फूड नोर वाटर। अगला कुआं जो 2 दिन की मुसाफत पर था, उनके पास ना खुराक थी और ना ही पानी था। द फ्यूचर लुकड ग्रिम, इनका जो आने वाला वक्त था खौफनाक दिखाई दे रहा था। ग्रिम ड्रेडफुल, हॉरिबल जिसको हम कहते हैं। देयर वॉज जस्ट 1 chance ऑफ सर्वाइवल, इनको जिंदा रहने का एक ही इम्कान दिखाई दे रहा था। 1 of 6 कैमल्स कुड बी किल्ड, उनके 6 ऊंटों में से सिर्फ एक को ज़िबा किया जा सकता था। द डिसीजन वॉज मेड क्रिस्टोफर बींग आस्क्ड टू पे हिज शेयर ऑफ द कॉस्ट टू विच ही विलिंगली एग्रीड, फैसला हो गया और क्रिस्टोफर को अपने हिस्से की कीमत अदा करने के लिए कहा गया, जो उसने बखुशी रजामंदी से दे दी। स्ट्रेंजली एनफ, एज सून एज कैमल वाज पिक्ड फॉर द स्लॉटर, इट सीम टू नो व्हाट वाज टू हैपन एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ वॉइस। काफ़ी अजीब सी बात थी कि जो ही ज़िबह के लिए एक ऊँट का इंतखाब किया गया तो ऐसा लगता था कि उसे मालूम हो गया था कि क्या होने वाला है, और वह अपनी पूरी आवाज़ में चीखने लगा। स्क्रीम, चीखना, शोर मचाना। व्हेन द विक्टम वाज किल्ड, जब शिकार को ज़िबा किया गया। द लिक्विड इन इट्स स्टमिक वाज कॉट इन अ वाटर बैग, तो इसके मैदे के पानी को इसके स्टमिक के पानी को एक मशकीज़े में भर लिया गया बाय द स्लेव गुलाम की मदद से। उस गुलाम ने इसके मैदे के पानी को एक मशकीज़े में भर लिया। It would be hard to think of a less appetizing drink than the greenish fluid like thin blood produced from this source. वो कहते हैं कि इस ज़रिए से हासिल किया गया पतले खून की तरह का सब्ज़ी माइल स्याह से सब्ज़ी माइल फ्लूड जो था कम इश्तहांगेज़ मशरूब का तसव्वुर हाल था। इवन द ट्रॉग्स मेड फेसिस एज दे ड्रैंक इट, यहाँ तक कि ट्रॉगों ने भी इसे पीते हुए मुंह बनाया। क्रिस्टोफर कुड नॉट टैकल इट पास्ड तो ही वाज अंटिल ही बॉइल्ड इट, अगरचे क्रिस्टोफर प्यासा था मगर जब तक इसने इसे उबाल ना लिया और वो ना ही इसे निपट सका। एंड इवन देन ही हैड टू होल्ड हिज नोज वाइल ही ड्रैंक इट, और तब भी इसे पीते वक्त अपनी नाक को पकड़ लेना पड़ी। सम हाउ ही गॉट इट डाउन, किसी ना किसी तरह उसने इसे अपने हलक से नीचे उतारा। टुगेदर विद द कैमल्स फ्लैश द अनएपिटाइजिंग लिक्विड केप्ट दैम गोइंग फॉर अनदर 2 days, ऊँट के गोश्त और इस उसके मैदे से निकले हुए मादे ने इन्हें 2 दिनों तक सफ़र जारी रखने के काबिल बनाया। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज तक की ट्रांसलेशन का पेज नंबर 54। अब इसके सिनोनिम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला है इंड्योर, इंड्योर होता है बर्दाश्त करना, पुट अप विद। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेप्लिनिश, रेप्लिनिश होता है दोबारा से बनना, रीफिल करना। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर होल, वाटर होल हमने पहले पढ़ा था। वेल कोई कुआं होता है। ग्रिम, ग्रिम होता है खौफनाक या ड्रेडफुल जिसे हम कहते हैं। एपिटाइजिंग होता है इश्तहांगेज़ भूख लगाने वाला टेस्टी। टैकल, टैकल होता है संभालना, निमटना, अंडरटेक। तो ये था आज का हमारा लेसन, उम्मीद है आपको इसकी ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। कल नई ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।